दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा सिनेमा लवर होगा जिसको इरफान खान की मूवीज पसंद ना हो। एक दौर था जब इरफान ने कई ऐसी मूवीज बनाई जिसने हमारे दिल पर अलग ही छाप छोड़ दी। पर एक वक्त वो भी था जब इंटरनेट पूरे भारत में नहीं था, और उस दरमियान आने वाली इरफान की कई मूवीज ऐसी भी थी जो हमसे छूट गई। लेकिन ऐसी ही एक मास्टरपीस मूवी को लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने भी इस मूवी को आज तक नहीं देखा होगा। हमेशा की तरह सिर्फ इरफान की आंखें ही आपको इस मूवी में बातें करते हुए नजर आने वाली है, और ये मूवी आपको रुलाने भी वाली है। इसलिए चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत डॉक्टर गोयनका से होती है, जिनका आज एक टीवी पर इंटरव्यू चल रहा है। दरअसल डॉक्टर गोयनका को वर्ल्ड का फोर्थ बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट माना गया है, इसलिए IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उनको सम्मानित करने जा रहा है, और इसी वजह से डॉक्टर हर चैनल पर इंटरव्यू देते नजर आ रहे हैं और अगले दिन दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं। खैर, डॉक्टर की फैमिली में उसके अलावा उसकी वाइफ संजना और 7 साल की बेटी अनुष्का रहते हैं। अब 2 दिन बाद अनुष्का का बर्थडे होता है, इसलिए डॉक्टर गोयनका उससे प्रॉमिस करता है कि दिल्ली से वापस आने के बाद वो उसका बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करेगा। इसके बाद डॉक्टर अपने काम से दिल्ली निकल जाता है, जबकि अनुष्का अपनी माँ के साथ बर्थडे की शॉपिंग करने चली जाती है। इसके बाद जब दोनों माँ बेटी वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें दिया नाम की लड़की मिलती है, जो असल में डॉक्टर गोयनका के नए हॉस्पिटल की आर्किटेक्ट होती है। थोड़ा हाय हेलो करने के बाद अनुष्का संजना घर आ जाते हैं, जिसके बाद अनुष्का तो अपने रूम में चली जाती है, जबकि संजना फोन के घर पर वॉइसमेल चेक करती है। उसमें उसको दिया का ही वॉइसमेल मिलता है, जो उससे कह रही थी कि सर ने मुझे आज ब्लूप्रिंट्स के लिए कहा था और बोला था कि मैं घर आकर ले जाऊं, इसलिए मैं शाम को आपके घर ब्लूप्रिंट्स लेने आऊंगी। इसके बाद संजना अनुष्का के लिए आइसक्रीम लेने किचन में चली जाती है। इसी बीच अनुष्का हॉल में आकर टीवी ऑन कर लेती है और वॉल्यूम फुल कर देती है। इतने तेज वॉल्यूम को सुनकर संजना फौरन किचन से आइसक्रीम लेकर आती है और कहती है कि अनुष्का, तुमने आवाज़ इतनी तेज क्यों रखी है? इतनी आवाज में भी कोई टीवी देखता है क्या? ये कहकर जैसे ही संजना पीछे मुड़ती है तो डर के मारे उसके हाथ से आइसक्रीम गिर जाती है। वो देखती है कि उसके सामने अनुष्का नहीं बल्कि कोई अनजान आदमी है जिसने टीवी ऑन कर रखा था। इस बीच संजना डर के मारे अनुष्का को आवाज देती है, लेकिन सामने खड़ा आदमी जिसका नाम था कृष्णा, वो उससे कहता है कि बच्ची घर में नहीं है, इसलिए हल्ला करने की जरूरत नहीं है। लेकिन संजना फिर भी उसकी बात को इग्नोर करते हुए अनुष्का को पूरे घर में इधर उधर ढूंढने लगती है। फिर जब उसे लगता है कि अनुष्का वाकई घर में नहीं है, तो वो घर में रखी पिस्तौल लेकर कृष्णा के सामने आती है और उससे पूछती है कि मेरी बच्ची कहाँ है, बता दो वरना गोली चला दूंगी। ये सुनकर कृष्णा कहता है कि मैडम, आपकी बेटी अभी जहाँ भी है एकदम सेफ है, और आप मुझे मारिए मत, क्योंकि अगर आपने मुझे मार दिया और मैंने 10 मिनट के अंदर अपने साथी को फोन नहीं किया तो वो आपकी बेटी को मार देगा। संजना रोते हुए पूछती है कि मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कृष्णा कहता है कि मैडम, ये मेरा पेशा है, हम लोग बच्चों को किडनैप करते हैं, पैसे लेते हैं और बच्चों को छोड़ देते हैं। आज तक हमने किसी भी बच्चे को नहीं मारा, इसलिए आप भी हमें पैसे दे दीजिए, मैं आपको बच्ची वापस कर दूंगा। उधर हम डॉक्टर गोयनका को देखते हैं जो इस वक्त दिल्ली में होते हैं और उनको अवार्ड मिल रहा होता है। इस बीच हम देखते हैं कि एक रूही नाम की अनजान लड़की उस फंक्शन में शामिल होती है और डॉक्टर को घूर रही होती है। वहीं घर पर संजना कृष्णा को बताती है कि मेरी बेटी को अस्थमा है और अगर वो घबरा गई तो उसकी जान जा सकती है, लेकिन कृष्णा इस बात को मजाक समझकर इग्नोर करने लगता है। वो सोचता है कि संजना उसे जानबूझकर झूठ बोल रही है, लेकिन संजना उसको अनुष्का की दवाइयां और इनहेलर दिखाती है, जिससे कृष्णा को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। वो भी इस बात से परेशान हो जाता है कि आखिर किडनैपिंग से पहले हमने ये बात पता क्यों नहीं की। वो फौरन अपने साथी कबीर को फोन लगाता है और उससे कहता है कि उस बच्ची का ठीक से ख्याल रखना, उसको भागने मत देना और वो डरे भी ना, इस बात का ख्याल रखना। इस बीच संजना पीछे से कहती है कि अगर कोई दिक्कत हो तो उसे कॉफी पिला देना, इससे उसे आराम मिल जाएगा। कृष्णा भी कबीर से कहता है कि ये जो बोल रही है उस बात का ध्यान रखना, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना, और हाँ, उस बच्ची के सामने सिगरेट मत पीना वरना उसको दिक्कत हो सकती है। अब हम देखते हैं जब डॉक्टर गोयनका अवार्ड रिसीव करने के बाद अपने रूम में आ रहे होते हैं तो वो संजना को फोन करते हैं। उधर वो फोन संजना के बैग में रिंग करने लगता है, इसलिए कृष्णा उसको बैग से निकाल कर तोड़ देता है और घर का लैंडलाइन केबल भी उखाड़ देता है। फोन ना लगने पर डॉक्टर अपने होटल रूम में जाने लगता है और तभी उसे अपने सामने वाले रूम में ही वही लड़की रूही दिखती है जिसको हमने अवार्ड फंक्शन में देखा था। वो डॉक्टर को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन
लेकिन डॉक्टर उसकी बातों में नहीं आता। इसके बाद रूही उसे गन पॉइंट पर लेकर अंदर कमरे में ले आती है, जिस बीच डॉक्टर शोर मचाने की कोशिश करता है, लेकिन रूही उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, इसलिए चुपचाप जो मैं कहती हूँ वैसा ही करो, क्योंकि मेरे एक फोन पर तुम्हारी बेटी की जान जा सकती है। दूसरी तरफ कबीर अनुष्का को लेकर अपने अड्डे पर आ जाता है, जहाँ वो पहले तो सो रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जाकर अपनी माँ के लिए रोने लगती है। वो ये देखकर घबरा जाती है कि वो इस वक्त घर में नहीं है। अब कबीर उसको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चुप नहीं होती। इसके बाद कबीर उसके ऊपर चिल्ला देता है, जिससे वो और ज्यादा डर जाती है। अपनी गलती का एहसास होते ही कबीर उसे पास रखी डॉल लेकर दे देता है, जिससे अनुष्का थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद कृष्णा रूही के पास फोन करता है और फिर संजना और गोयनका की बात करवा देता है। गोयनका को ये सुनकर शॉक लगता है कि उसकी वाइफ इस वक्त किडनैपर के पास है और उसकी बेटी को अगवा किया जा चुका है। इसके बाद वो कृष्णा से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। कृष्णा कहता है कि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, मैं पैसे के लिए ये सब कर रहा हूँ, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर दो, ताकि तुम्हारी बच्ची तुम्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए। और हाँ, पैसों को अपने पास ही मंगाना, अपने घर पर नहीं। डॉक्टर इस बात के लिए मान जाता है और उससे थोड़ा सा वक्त मांगता है। उधर अनुष्का को ठंड लग रही होती है, इसलिए कबीर उसके लिए एक पुराना कंबल निकालकर उसको उड़ा देता है। अब अनुष्का एक अस्थमा की मरीज थी, इसलिए पुराने कंबल की धूल से उसको अस्थमा का अटैक पड़ने लगता है, जिसको देखकर कबीर के हाथ पैर फूल जाते हैं और वो समझ ही नहीं पाता कि अब क्या करें। लेकिन तभी उसे उसकी माँ की याद आती है, जिसने कॉफी पिलाने की बात कही थी, इसलिए वो फौरन कॉफी बनाकर ले आता है और अनुष्का को पिला देता है, जिससे उसे रिलीफ मिल जाता है। इधर अटैक वाली बात कृष्णा और संजना को भी पता चल जाती है, इसलिए संजना उससे रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बेटी को दवा की जरूरत है, इसलिए ये दवा उसके पास पहुँचनी चाहिए। अब कृष्णा के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो संजना के साथ दवाई लेकर निकल पड़ता है। उधर वो कबीर को भी फोन कर देता है कि वो अनुष्का को लेकर आधे रास्ते पर आ जाए, जहां अनुष्का को दवा दे दी जाएगी। अब दोनों बीच रास्ते में मिलते हैं, जिसके बाद संजना और अनुष्का एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। अब संजना फौरन अपनी बेटी को दवा देती है, वो उसको दवा पिलाती है और गर्म कपड़े पहना देती है, ताकि उसकी दिक्कत बढ़ ना जाए। इस बीच कबीर बहुत घबराया हुआ होता है, वो कृष्णा से कहता है कि इस काम में बहुत खतरा है, वो बच्ची भी ठीक नहीं है, क्या हम सही कर रहे हैं। कृष्णा उसे समझाता है कि काम थोड़ी देर में हो जाएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो दोनों अनुष्का और संजना को लेकर वापस चले जाते हैं। हालांकि संजना चुपके से बातों ही बातों में अनुष्का से उस जगह का रास्ता पूछ लेती है, लेकिन अनुष्का उसे कुछ भी ठीक से नहीं बता पाती। इसके बाद घर आकर कृष्णा वापस गोयनका को फोन करता है और इस बार 2 करोड़ रुपए की डिमांड करता है। वो कहता है कि मैं अभी तुम्हारी बेटी को दवा देकर आया हूँ, ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो, इसलिए मुझे अब 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ रुपए चाहिए, और वो भी सिर्फ 24 घंटे में। डॉक्टर इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है कि इस होटल रूम में बैठकर 2 करोड़ रुपए का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कृष्णा कहता है कि अगर बच्ची चाहिए तो 2 करोड़ क्या, 10 करोड़ का भी इंतजाम कर लोगे, इसलिए चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। डॉक्टर के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता, रूही के पास होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो इसके लिए मान जाता है। इसके बाद घर के अंदर कृष्णा संजना को ड्रिंक्स देकर कहता है कि थोड़ा ये ले लो, इससे तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। इस बात से संजना का मूड ऑफ हो जाता है और वो कृष्णा के साथ हाथापाई करने लगती है। इस बीच अचानक उसके घर की बेल बजती है, जिसके बाद कृष्णा उससे दरवाजा खोलकर देखने को कहता है और वार्न भी करता है कि वो कोई होशियारी ना करें। अब गेट पर असल में दिया आई होती है, जैसा कि उसने सुबह वॉइस मेल पर बताया था कि उसे ब्लूप्रिंट चाहिए। दिया कृष्णा को देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि ये कौन है, इनको पहले कभी नहीं देखा। कृष्णा कहता है कि मैं डॉक्टर गोयनका का फ्रेंड हूँ और आज उनसे ही मिलने आया था, लेकिन वो अवार्ड फंक्शन के लिए बाहर गए हुए हैं। ये कहते हुए कृष्णा के होंठ थोड़े कपकपा रहे होते हैं, तो दिया को थोड़ा शक होने लगता है, इसलिए संजना को लगता है कि कहीं कृष्णा इसको भी कोई चोट ना पहुंचा दे, तो वो दिया से कहती है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये मेरा फ्रेंड नितिन है और इस बारे में मेरे पति को कुछ भी नहीं पता, आज वो बाहर है इसलिए मैंने इसको घर बुलाया है, तुम प्लीज ये बात किसी को मत बताना। इस तरह वो दिया को ब्लूप्रिंट्स देकर वापस भेज देती है। इसके बाद कबीर रूही को फोन करता है और डॉक्टर गोयनका से दवाई के बारे में पूछता है, जो इस वक्त अनुष्का को देनी थी। डॉक्टर गोयनका कबीर को सब समझा देता है कि उसको दवाइयाँ कैसी देनी है। इसके बाद कृष्णा वापस डॉक्टर को फोन करता है और उससे कहता है कि पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं। डॉक्टर कहता है कि मैंने 2 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लिया है, बताओ कहाँ और कैसे भिजवाने हैं। तभी कृष्णा कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, मैंने तुम्हें 2 नहीं
3 करोड़ रुपए देने के लिए बोला है। ये सुनकर डॉक्टर अपना आपा खो देता है। वो कहता है कि इलेक्शन की वजह से कोई पार्टी मुझे पैसे नहीं दे रही, ऊपर से मैंने अपने घर को गिरवी रखकर ये पैसे लिए हैं। उधर नए हॉस्पिटल में मेरा नहीं इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है, अब मैं ये 1 करोड़ एक्स्ट्रा कहाँ से लाऊं? ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। ये सुनकर कृष्णा कहता है कि जरा अपनी बेटी को याद करो, जब वो पैदा हुई थी, जब उसने चलना सीखा था। तुम क्या चाहते हो कि मैं उस बच्ची को तुम्हारे सामने काट कर डाल दूं? अब बताओ क्या अभी भी ये पैसा तुम्हारे लिए नामुमकिन है? ये सुनकर डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि उसे पैसों का इंतजाम करना ही होगा और वो इसके लिए मान जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि संजना चुपके से कृष्णा की ड्रिंक में कोई दवा मिला देती है और उधर अनुष्का कबीर से कहती है कि मुझे भूख लग रही है, इसलिए कबीर उसके लिए सूप बनाने चला जाता है। और इस बीच अनुष्का कबीर का फोन लेकर चुपके से जंगल में भाग जाती है। वहीं ड्रिंक पीने के बाद कृष्णा को चक्कर आने लगते हैं और थोड़ी देर में उसकी नाक से खून निकलने लगता है। वो समझ जाता है कि इस सब में जरूर संजना का हाथ है, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुमने इसमें क्या मिला दिया है। तो संजना कहती है कि इसमें मैंने तुम्हारी मौत मिलाई है, अगर 10 मिनट में तुम्हें एंटीडोट नहीं मिला तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि सारी नसें फट जाएंगी और तुम 10 मिनट में मर जाओगे। इसके बाद बंदूक दिखाकर संजना उससे कहती है कि फौरन कबीर को फोन करो और मेरी बच्ची को यहाँ लाने के लिए बोल दो। तो कृष्णा कबीर को फोन करता है, लेकिन फोन तो अनुष्का लेकर चली गई थी और जंगल में जाकर कहीं छुप गई थी, इसलिए फोन बजता रहा, लेकिन वो फोन नहीं उठाती और वो बचता रहता है। संजना उधर बहुत टेंशन में आ जाती है क्योंकि कबीर फोन नहीं उठा रहा होता। और इधर कृष्णा की तबीयत बिगड़ती जाती है। संजना को लगता है कि शायद कृष्णा उसे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन कृष्णा उसे फोन देकर ये समझाता है कि सच में कबीर उसका फोन नहीं उठा रहा है क्योंकि कॉल वॉइस मेल में पहुंच गई है। उधर कबीर अनुष्का को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है और यहाँ घर में संजना और कृष्णा के बीच हाथापाई होने लगती है। इसी बीच संजना किसी तरीके से अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और तभी अनुष्का कबीर के मोबाइल से घर के लैंडलाइन पर फोन कर देती है। संजना उस कॉल को पिक करती है और अनुष्का उसे बताती है कि मम्मी मैं वहाँ से भाग आई हूँ और इस वक्त जंगल में हूँ। संजना उससे कहती है कि बेटा तुम वहाँ से रोड की तरफ भागो, जिस तरफ तुम्हें लाइट दिख रही हो वहाँ जाओ और रास्ते में जो भी कार या कैसी भी गाड़ी मिले उससे हेल्प मांगकर पुलिस के पास या घर पर आ जाओ। संजना उसे ये बात बता ही रही होती है कि तभी कबीर उसको ढूंढ लेता है और वापस उसे ले आता है। संजना अब गन पॉइंट पर लेकर कृष्णा से कहती है कि तुम अभी कबीर को बोलो कि वो अनुष्का को यहाँ छोड़कर जाए, नहीं तो मैं तुमको शूट कर दूंगी और वैसे भी अगर तुमको 5 मिनट्स में एंटीडोट नहीं मिला तो फिर भी मारे ही जाओगे, इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। ये सुनकर कृष्णा फोन लेता है और कबीर से कहता है कि मैं अगर 10 मिनट्स में तुम्हें कॉल ना करूं तो तुम्हें पता है कि बच्ची के साथ क्या करना है। ये सुनकर अब संजना के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाती है कि उसका पासा उल्टा पड़ चुका है, साथ ही कृष्णा का दम घुट रहा था, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है कि मेरे लिए अपनी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी बेटी जिंदा चाहिए तो तुम्हें मुझको बचाना होगा, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। इस तरह संजना हेल्पलेस हो जाती है और रोने लगती है, साथ में उसे कृष्णा को एंटीडोट देना ही पड़ता है। इंजेक्शन देने के बाद वो कृष्णा से कहती है कि फौरन कबीर को फोन करो, वो मेरी बच्ची को कुछ ना करे क्योंकि 10 मिनट होने ही वाले हैं। साथ ही वो कृष्णा से माफी मांगती है कि गुस्से में आकर उसने उसे बीपी हाई करने की ओवरडोज दे दी थी, लेकिन कृष्णा के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता और वो कबीर को फोन भी नहीं करता। संजना उसके सामने गिड़गिड़ाती रहती है कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा मत करो, अपने साथी को फोन करो वरना वो उसे कुछ कर देगा, लेकिन कृष्णा उसकी बातों को कंप्लीट इग्नोर करता रहता है। तो गुस्सा होकर संजना उसे कहती है कि आखिर हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे पति दे देंगे, लेकिन ये सब क्यों कर रहे हो? मेरे पति एक डॉक्टर हैं और वो लोगों की जान बचाते हैं और तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। कृष्णा ये सुनकर एकदम से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड किसी की जान नहीं बचाता, बल्कि वो तो एक कातिल है जो लोगों का खून चूसने के लिए पैदा हुआ है। इतना कहकर वो संजना को जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर देता है और बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है। उधर हम देखते हैं कि डॉक्टर गोयनका 3 करोड़ का इंतजाम कर चुका होता है, इसलिए वो पूछता है कि पैसे आ चुके हैं, बताओ इन्हें कहाँ भिजवाना है। तो रूही बताती है कि पैसे कहीं नहीं भिजवाने, तुम नीचे जाओ और पैसों को यहीं ऊपर ले आओ। ये सुनकर डॉक्टर फौरन नीचे जाता है और पैसों से भरे सूटकेस को ऊपर ले आता है। ऊपर लाकर जैसे ही वो उस सूटकेस को रखता है
वैसे ही रूही उसकी आंखों पर पेपर स्प्रे कर देती है, जिससे गोयनका की आंखें जलने लगती हैं। थोड़ी देर बाद जब तक वो अपनी आंखें खोलने लायक होता है, तब तक रूही और वो पैसे का सूटकेस उस कमरे से गायब हो चुका होता है। तो इसी तरह अब संजना के पास से कृष्णा चला जाता है, उधर डॉक्टर गोयनका के पास से रूही भी चली जाती है, साथ में वो पैसे भी चले जाते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अनुष्का अभी भी उन लोगों के पास ही होती है। ये जानकर अब गोयनका और संजना दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। अब ये खबर दूसरे दिन पूरे मीडिया में लीक हो जाती है और फिर सारे पुलिस वाले गोयनका के घर आ जाते हैं। पुलिस वाले संजना से आकर पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसमें कोऑपरेट नहीं कर रही होती। फिर भी इंस्पेक्टर कहता है कि आप उस मुजरिम का स्केच बनवाने में मदद कीजिए, तो संजना इसके लिए भी मना कर देती है। इस बीच गोयनका वहाँ पर आ जाता है और संजना से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी बेटी को ले आऊंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। इसके बाद वो इंस्पेक्टर कहता है कि चाहे जिससे बात करनी पड़े वो करो, या जितने भी पैसे लग जाए लग जाने दो, लेकिन मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी ढूंढ निकालो। ये सुनते ही अचानक पीछे खड़ी संजना बोलती है कि अब हमें हमारी अनुष्का जिंदा वापस नहीं मिलेगी। तो डॉक्टर गोयनका बोलता है कि ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो, ऐसा क्यों बोल रही हो। तो संजना कहती है कि वो किडनैपर असल में तुमको अच्छे से जानता है, शायद मुझसे भी ज्यादा अच्छे से। वो बताती है कि वो कोई किडनैपर नहीं है, वो कृष्णा नाम का एक आदमी था जो एक बार तुम्हारे हॉस्पिटल में आया था। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें धीरे धीरे पूरी कहानी समझ में आती है कि आखिर कृष्णा ये सब क्यों कर रहा था। हम देखते हैं कि कुछ साल पहले कृष्णा अपने 7 साल के बेटे को लेकर गोयनका के हॉस्पिटल में आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि जो लड़की अभी तक गोयनका से पैसे मांग रही थी, वो असल में कृष्णा की बीवी रूही थी, और कबीर असल में रूही का बड़ा भाई था जो कृष्णा का इस सब में साथ दे रहा था। खैर, हॉस्पिटल में आने के बाद कृष्णा के बेटे का पूरा चेकअप होता है और उसके बाद बाकी सबको पता चलता है कि उसके बेटे के दिल में छेद है। ये सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं और फिर कृष्णा आकर डॉक्टर गोयनका से मिलता है। गोयनका बताता है कि अगर तुम्हारे बच्चे को बचाना है तो हमें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा। इस बीच कृष्णा पूछता है कि सर, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे बिना ऑपरेशन के मेरा बच्चा ठीक हो सके, जैसे कोई दवा या इंजेक्शन। तो गोयनका कहता है कि ऐसे केसेस में ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता होता है, इसलिए वक्त बर्बाद मत करो और मेरे पीए से जाकर मिल लो, वो आपको आगे की प्रोसेस बता देगा। कृष्णा अब बिना देरी किए रूही के साथ डॉक्टर गोयनका के पीए के पास पहुंचता है, जहां वो बताता है कि आपके बेटे का अर्जेंट ऑपरेशन होना है, जिसके लिए आपको 5.5 लाख रुपए देने होंगे। इसके अलावा डॉक्टर गोयनका की फीस 2.5 लाख रुपए है, आपको पहले उसे जमा कराना होगा, उसके बाद फौरन आपके ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। ये सुनकर पहले तो दोनों हस्बैंड वाइफ के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, हम लोग कल तक ये पैसे जमा करा देंगे। इसके बाद दोनों अपने अपने लोगों के पास जाकर पैसा उधार लेते हैं। कृष्णा अपनी कार बेच देता है क्योंकि वो एक टैक्सी ड्राइवर का काम करता था। उधर रूही अपने बॉस से जॉब का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के लिए पैसे मांगती है। वो कहती है कि सर, आप कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की जो कंडीशंस रखेंगे वो मैं मान लूंगी, बस मेरी हेल्प कर दीजिए। इसके बाद वो दोनों घर में रखे हुए जेवर को बेच देते हैं, साथ में कुछ लोग भी उनकी मदद करते हैं, और इस तरह वो दूसरे दिन तक 5.5 लाख रुपए इकट्ठा कर लेते हैं। रुपया लेकर कृष्णा फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है और पीए से कहता है कि मैंने ऑपरेशन के पैसे तो जमा करा दिए हैं और डॉक्टर साहब की फीस कल तक जमा करा दूंगा, लेकिन आप ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दीजिए क्योंकि मेरे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पीए कहता है कि भले ही आपने ऑपरेशन के पैसे जमा करा दिए हों, लेकिन आप जब तक डॉक्टर साहब की फीस जमा नहीं करते, तब तक मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कृष्णा कहता है कि सर, ये क्या बात हुई, मैं आपसे कह रहा हूँ कि फीस मैं कल तक जमा करा दूंगा, लेकिन आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे, प्लीज सर से बात कीजिए कि वो कैसे भी करके आज ऑपरेशन कर दें। इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी पीए कह देता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए। इसके बाद कृष्णा फौरन डॉक्टर के पास जाता है जो अपने नए हॉस्पिटल की साइट पर होता है। वो अपने इंजीनियर से बात कर रहा होता है कि तभी कृष्णा उसके सामने आ जाता है और उससे बात करने का थोड़ा सा समय मांगता है, लेकिन डॉक्टर उससे ये कहकर साफ मना कर देते हैं कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, मैं इस तरह बात नहीं करता, तुम हॉस्पिटल में आना तब बात करेंगे। कृष्णा कहता है कि सर, बस 2 मिनट बात करनी है, मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, लेकिन डॉक्टर फिर भी नहीं मानता और कहता है कि चले जाओ, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। अब कृष्णा की मजबूरी थी, इसलिए वो नीचे जाकर डॉक्टर के फ्री होने का इंतजार करने लगता है।
फिर जब डॉक्टर आता है तो वो उससे कहता है कि सर बस 2 मिनट दीजिए। डॉक्टर फोन पर किसी से बात कर रहा होता है तो इसी बीच वो कृष्णा से आने की वजह पूछता है। कृष्णा कहता है कि सर आपको याद होगा मेरे बेटे का ऑपरेशन होना है, मैंने ऑपरेशन के पैसे भी जमा कर दिए हैं, लेकिन सर आपकी फीस मैं कल तक जमा कर दूंगा। नर्स ने मुझे बोला है कि आप 24 घंटे में ऑपरेशन करवा लीजिए क्योंकि बच्चा अब झेल नहीं पा रहा, इसलिए सर मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं आपकी फीस सुबह तक जमा करा दूंगा, अब आज उसका ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर कहता है कि मेरे पीए से तुम मिले थे, उसने तुम्हें सब समझा दिया होगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। कृष्णा कहता है कि सर आपकी फीस की ही तो बात है, वो मैं जमा करा दूंगा कल, लेकिन आप आज ऑपरेशन कर दीजिए। तो डॉक्टर झिल्लाकर बोलता है कि रोज मेरे पास तुम्हारे जैसे लोग आते हैं, अगर मैं तुम लोगों की सुनता रहा तो एक दिन मुझे भीख मांगना पड़ेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर कृष्णा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि सर ऐसे कैसे आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने लिए इतना बड़ा दिल का हॉस्पिटल बनवा रहे हैं लेकिन आपके अंदर दिल नाम की चीज नहीं है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे बस कल तक का वक्त दे दीजिए, मैं आपके पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहा, बस समय मांग रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे को कुछ ना हो, आप इतना तो कर सकते हैं। तो डॉक्टर भी उससे ताव में आकर ये कहकर चला जाता है कि जब पैसे होंगे तब ऑपरेशन भी हो जाएगा। इसके बाद कृष्णा के पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो और लोगों से पैसे की गुहार लगाता है ताकि आज ही पैसों का इंतजाम कर सके, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता और इस बीच आईसीयू में उसका बच्चा अपना दम तोड़ देता है। बेचारा कृष्णा अपने बच्चे को बचाने की जंग हार जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहानी अब यहाँ से प्रेजेंट में आती है जब संजना ये बात अपने हस्बैंड को बता रही होती है। वो कहती है कि ये उसी बच्चे का बाप है और ये तुमसे सताया हुआ है, उसके बच्चे की मौत के जिम्मेदार तुम हो। ये सुनकर डॉक्टर गोयनका कहता है कि ये क्या बोल रही हो, आखिर मैं इसका जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ, मैं तो बस अपनी फीस मांग रहा था और अगर वो पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया तो इसमें मेरी क्या गलती है। वो कहता है कि हर पेशे में सभी अपनी फीस लेते हैं, ऐसे ही मैं भी अपनी फीस ही तो ले रहा था। तो संजना कहती है कि हर पेशे में लोगों की जिंदगी और मौत नहीं जुड़ी होती, इसलिए डॉक्टर के पेशे को नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, क्या तुम भूल गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमको पता था कि वो हॉस्पिटल की फीस भर चुका है और तुम्हारी फीस भी दूसरे दिन भरने को तैयार था, ऊपर से तुमको भी ये पता था कि उसके बच्चे की कंडीशन सीरियस है, फिर भी तुमने ये बात इग्नोर की और उसने अपना बच्चा खो दिया, ठीक वैसे ही जैसे आज हम अपनी बेटी को खो चुके हैं। ये सुनकर डॉक्टर गोयनका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो थोड़ी देर बाद अपने घर हर मीडिया वाले को बुलाता है। वो मीडिया के सामने कहता है कि आप लोगों को पता होगा कि मेरी बच्ची को किसी ने किडनैप कर लिया है, पिछले 30 घंटे बीत चुके हैं लेकिन उसका कोई पता नहीं है। दरअसल जिस आदमी ने उसे किडनैप किया है वो 3 महीने पहले मेरे पास आया था, उसका बेटा प्रतीक बीमार था और उसका ऑपरेशन होना था। डॉक्टर रोते हुए आगे कहता है कि वो आदमी मेरी फीस का इंतजाम नहीं कर पाया और उसने मुझसे रिक्वेस्ट भी की लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं किया और इस बीच उसका बेटा प्रतीक इस दुनिया से चला गया। मैं मानता हूँ कि इस सब में मेरी गलती है और शायद इसी वजह से मेरी बेटी ये सजा भुगत रही है। इस पेशे में पैसा कमाते कमाते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे हाथ दूसरों के खून से रंग गए, कब मेरी स्किल, मेरी काबिलियत मेरे घमंड में बदल गई। इसलिए मैं हर उस आदमी से माफी मांगना चाहता हूँ जो मेरे इस घमंड का शिकार हुआ। साथ ही आप सभी के सामने और पूरी दुनिया के सामने कृष्णा से माफी मांगता हूँ क्योंकि शायद सबसे बड़ा गुनहगार मैं उसी का हूँ। इसके बाद पूरे 48 घंटे हो जाते हैं लेकिन पुलिस को अनुष्का का कुछ भी पता नहीं होता। सुबह सुबह जब डॉक्टर गोयनका और संजना अपनी बेटी के रूम में बैठकर उसको याद कर रहे होते हैं तभी अचानक उनके घर की बेल बजती है। बाहर आकर देखने पर उन्हें एक आदमी अनुष्का को गोद में लेकर खड़ा हुआ दिखता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि कबीर था, जिसे ना तो डॉक्टर जानता था और ना ही संजना। पहले अपनी बेटी से मिलकर दोनों बहुत खुश होते हैं और बार बार उस आदमी से उसका नाम पूछते रहते हैं। बेटी को वापस करने के बाद कबीर उस पैसे का सूटकेस भी लाता है और उनको वापस कर देता है। ये देखकर डॉक्टर गोयनका पूरी तरह से हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर तुम कौन हो भाई। तो अनुष्का कहती है कि पापा ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। जिसके बाद कबीर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डॉक्टर गोयनका पुलिस के पास जाकर अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है और उनसे कहता है कि कृष्णा की इस सब में कोई गलती नहीं है, हालांकि उसने किडनैपिंग जरूर की लेकिन बदले की भावना से नहीं, मुझको रियलाइज करवाने के लिए कि मैंने जो किया वो बहुत गलत था। इसके बाद हम कृष्णा, रूही और कबीर को देखते हैं जो समंदर किनारे कबूतरों को दाना डालते हुए अपने बेटे को याद कर रहे होते हैं, लेकिन आज उनके मन में एक सेटिस्फेक्शन होती है और इसी के साथ
की ये शानदार सोशल मैसेज वाली मूवी दी एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में जो कृष्णा ने झेला वो आज का इंसान भी झेल रहा है। महंगी दवाइयां और हॉस्पिटल का खर्चा लोगों के परिवारों को अर्श से फर्श तक ले आता है। हो सकता है आप में से ही किसी व्यूअर ने ये सब झेला हो। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही मूवी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।